आज की कहानी मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। ये देखकर वो मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ मक्खियाँ नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी को बुरी लगी। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही, तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वो वहाँ भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरे नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वो काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। सिख, हमें दूसरों की सलाह जरूर सुननी चाहिए पर काम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही करना चाहिए। Yeah!